हे यो डिस अल्टीमेट्स, आप सभी का स्वागत है पोकेमोन प्लेटिनम के एक और नए एपिसोड में। और आज फाइनली मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग एक साल पहले मैंने इसका पिछला एपिसोड रिकॉर्ड किया था, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो एपिसोड्स डाला था एक साल के अंदर, तो वो सारे प्री रिकॉर्डेड थे, यानी कि मैंने वो एक साल पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और मैं बाद में धीरे धीरे करके उसे अपलोड कर रहा था। तो गाइज, बहुत दिन बाद हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं इस गेम को, तो मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था और कहाँ पे हम। यार रवि, एक मिनट मुझे देखने दो, ये रहा पोकेमोन सेंटर। अच्छा हुआ मेरे पास सेव फाइल है इसका, इस गेम का, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। पोकेमोन सोर्स खेल रहे थे हम, तो उसका सेव फाइल डिलीट हो गया, तो शायद से मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं वापस उसे रीस्टार्ट नहीं करने वाला। तो ये फ्लो क्या फ्लो मारा कुछ टाउन था, तो चलो एक बार फिर से देखते हैं क्या नाम था यार। अब से कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड करूँ, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फ्लो अरोमा टाउन, ठीक है, फ्लो अरोमा टाउन। मुझे कुछ याद भी नहीं मेरे पास पोकेमोन्स कौन से हैं। वेव और चिमी, अच्छा ठीक है, तो मैंने ट्रेनिंग किया था बीच में, हाँ, इसलिए ठीक ठाक लेवल पे है। तो अभी जो आपने रिसेंट जितने भी एपिसोड्स देखे हैं, इसके पहले वाला एपिसोड या उससे पहले वाला एपिसोड, वो सारे प्री रिकॉर्डेड थे, यानी कि मैं उसे पहले ही मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था एक साल पहले, और मैं बस उसे सेव करके रखा था और अपलोड कर रहा था बीच बीच में, ताकि चैनल मेरा डेड ना हो जाए। वैसे डेट तो हो ही गया है, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखते हैं क्या है। डू यू थिंक इट्स क्यूट हाउ पोकेमोन प्लग बेरीज। हम फोकस करते हैं गेम में गाइज, और TM88 मिल गया है, तो गाइज हो सकता है वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि डिवाइस चेंज हुआ है गाइज, इसलिए मुझे मतलब मैं भूल गया हूँ यार कैसे क्या सेटिंग था, तो इसलिए देखना पड़ेगा। और पोकेमोन प्लैटिनम काफ़ी अच्छा गेम है, मैं इसे डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा ही। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि मैं कौन सा नेक्स्ट गेम खेलूँ, या इसके साथ ही अगर आपको कोई पता है कि मैं कौन सा रोमहैक खेल सकता हूँ, मुझे रोमहैक खेलना यार, कोई लेटेस्ट फैन मेड गेम रोमहैक, GBA एमुलेटर ऑफकोर्स, तो वो मैं खेलूँगा। तो देखते गाइज क्या चल रहा है, ये क्या जगह है। जब हम फोकस करते इस गेम में, और मेरे एग्ज़ाम्स थे इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा था, और अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब कोशिश करूँगा मैं डेफिनेटली डेली अपलोड करूँ। तो देखते गाइज मैं कितना कोशिश करूँगा उतना मैं करूँगा अपलोड। और यहाँ पे ये क्या है, तो अब देखते हैं क्या क्या करना है हमें इस गेम में। सबसे पहले तो हम फ्लोरोमा टाउन आ चुके थे पिछले एपिसोड में, और यहाँ पे चेरी बेरी मिल गया हमें, और अब शायद से हमने पिछले एपिसोड में शायद जिम लीडर को हराया था, मेरे पास होना चाहिए यार। मेरे पास एक बैज है, तो हमने शायद पिछले एपिसोड में हराया था, तो आई थिंक हमें अब आगे जाना चाहिए था। हम शायद कहाँ जा रहे थे मुझे याद नहीं, मुझे खुद का एपिसोड देखना पड़ेगा पिछला एपिसोड, तब मैं समझ पाऊँगा कि क्या सीन है भैया। तो इधर देखते हैं, पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने एक्सप्लोर भी किया था कि नहीं, शायद किया था मैंने एक्सप्लोर, यार एक साल पहले खेला था, कैसे याद रहेगा मुझे, तो बहुत पढ़ना पड़ा गाइस, तब जाके अब मैं अच्छे से बना पा रहा हूँ अपने एपिसोड्स को, मैं रिकॉर्ड करूँगा। और कोई भी यार देखो रोमहैक मुझे खेलना है GBA एमुलेटर में ऑफकोर्स, तो वो आप बता देना मुझे कौन सा रोमहैक खेलना चाहिए। तो देखते गाइज, ओ यहाँ पे गैलेक्टिक है ना, ये मुझे याद है गैलेक्टिक, वैसे मैं भूल चुका हूँ कि कौन से मतलब क्या क्या पोकेमोन्स, नाम भी भूल चुका हूँ मैं। ग्रंट वन कह रहा है, आर एंड वे टीम गैलेक्टिक एंड वी आर असाइंड हियर स्टैंडिंग अराउंड अमंग फ्लावर्स, दिस डजंट सीम ऑल दैट कूल। अच्छा तो शायद से हमें फाइट करना पड़ेगा क्या इससे, अच्छा नहीं हम यहाँ से जा नहीं सकते, ये यहाँ पे खड़े हैं, तो देखते गाइज इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ना यहाँ से, हाँ फास्ट फॉरवर्ड होगा, ओके नाइस। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में अभी नहीं खेलेंगे, जब बैटल करेंगे हम फालतू बैटल्स तभी हम फास्ट फॉरवर्ड में खेलेंगे। मुझे याद आ चुका है गाइज, मुझे याद आ चुका है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे टाउन मैप देखो, इटर्ना सिटी जाना है हमें, इटर्ना सिटी, ओके तो हमें इटर्ना सिटी जाना है, तो वो चलते हैं हम गाइज, रूट 205। अच्छा इसे हम ले सकते हैं ना, ले लेते हैं चेस्टोबेरी, इसको भी ले लेते हैं क्या है, पेचाबेरी, आई थिंक ये सबका यूज़ होता है। तो गाइज देखो ये गेम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब क्या करना है आगे, मैं भूल चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में क्या क्या हुआ था। तो ये क्या बैटल करेगी, बैटल करेगी, अच्छा बैटल नहीं करेगी ये, हेल्प हेल्प ट्रेनर आई प्लीज़ आई वांट टू सी माय पापा एंड आई लिव डेड, ओके ओके ओके। तो इसे शायद से स्पाइस मैन कोई आया है और इसको भगा दिया, तो शायद से वो टीम गैलेक्टिक के मेम्बर्स हो चुके हैं, प्लीज़ ट्रेनर आई मिस माय पापा। तो क्या क्या कौन सा जगह बोला इसने, एक मिनट मैं जगह देखता हूँ कौन सा जगह बोला इसने, वैली, ही सेड द वैली विंड वर्क्स, वैली विंड वर्क्स, ओके वैली विंड वर्क्स में, तो चलो यहाँ बैटल होगा क्या यार, बैटल नहीं करना यार मेरे को, इधर देखते इधर क्या सीन है, वैली विंड वर्क्स, ओके तो यहाँ पे हम बचा लेते हैं ना इसके पापा को,
पहले यहाँ पे पोकेबॉल ले लेते यार, पहले अपना काम कर ले फिर उसके पापा को बचाएंगे। तो एक मिनट हाँ। चलो मेरा रिकॉर्डिंग दिक्कत दे रहा है यार, मैं कहाँ पे सेट करूँ इसे? एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट, जस्ट एक सेकंड गाइस, मैं इसे सेट कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग को अपने। हाँ ठीक है, डोंट यू डेयर टू गो इन टू द वैली विंड वर्क, हमें जाना पड़ेगा। अच्छा चलो बैटल करना पड़ेगा गाइस, तो चलो बैटल हम कर लेते हैं। अबे यार ओके ओके, एनीवेज क्या क्या दब जाता है, चलो बैटल करते हैं। और मुझे टीम भी बनाना पड़ेगा गाइस, तो आप लोग बता सकते हो कौन सा टीम आगे रखे। देखो मेरे पास वेव है यानी कि जूबैट, और चिमचाड़ है, क्या नाम था, चिमी, चिमी नाम रखा है हमने। तो देखते हैं हम कैसा, मतलब आगे कौन से पोकेमोन्स पकड़ना है हमें, तो वो बता सकते हो आप। ओके चलो अब हम जा सकते हैं अंदर। आई थिंक इट्स लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। बुजल, बुजल पकड़ लेंगे यार, बुजल पकड़ सकते हैं हम, ट्राई करें क्या बुजल पकड़ने का, ट्राई करें क्या, क्या करें यार बताओ। अच्छा पे अभी देख लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं, मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं। वी टीम कलेक्टर कंडक्टिंग रिसर्च इन द, शायद लड़ना पड़ेगा हमें, क्या नहीं जा सकते हम, ये क्या बात हुई भाई, हम आगे नहीं जा सकते, ये तो बहुत गलत हुआ यार, ये तो बहुत गलत हुआ भैया। सेलोज, तो मुझे उस तरफ जाना है जैसे भी करके, मेरे पास, मैं ऐसे जा नहीं सकता यहाँ पे, बैटल मैं इनसे करूँगा तो ये मतलब क्या करूँ यार मैं, कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, एक मिनट में नॉर्मल मोड में कर देता हूँ इसे। तो इधर से रास्ता है कोई, इधर से कोई घंटा रास्ता नहीं है। ओ यहाँ ये लोग हट गए, ये लोग हट गए, ये लोग हट गए, अब हम जा सकते हैं यहाँ से। फ्लोडोमा मिडो, अच्छा ये लड़की, लड़की के पापा है शायद से, मुझे लग रहा है। इनफ आर गोइंग हैंड ओवर डैट स्वीट हनी, डू एज वी से, टीम गैलेक्टिक विल हैव डैट हनी। अरे यार ये, एक मिनट गाइज, ओके अच्छा चलो, वी मस्ट हैव इट टू अट्रैक्ट पोकेमोन इन ग्रेट नंबर्स। लगता है बैटल होगा गाइज, तो देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ मैं अभी से ही। चलो आराम से हरा देंगे हमें, कोई दिक्कत नहीं है, एक विंग अटैक में इसको तोड़ के रख देंगे भाई। देखा एक विंग अटैक में तोड़ दिया हमने। मैं मूव्स भूल चुका हूँ कि कौन सा पोकेमोन के मूव्स कौन से पोकेमोन पे इफेक्टिव है, या डिसएडवांटेज कौन से पोकेमोन में, तो वो सब मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, और हो सके तो गाइस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि रीच बढ़ जाए, क्योंकि वापस रीच डाउन हो चुका है चैनल का, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं किया, और मतलब किया है लेकिन शायद आपने रिसेंट अभी देखा होगा, वो भी प्री रिकॉर्डेड था। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, ये एकदम लेटेस्ट है, अभी मैं खुद बैठ के कर रहा हूँ। तो की बैटलिंग, बाय बाय जूबैट को, जूबैट ने मार दिया, हमारा जूबैट स्पेशल है यार, क्योंकि मेरा जूबैट है ना। ओके चलो देखते हैं, और शायद से मैं कमेंट्री करना भी भूल गया हूँ, बहुत दिक्कत है यार, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्क्स की, वर्क्स की शायद से वो की है ना उसका, मुझे ये लग रहा है शायद से, अब हम जा सकते हैं वहाँ पे, देखना पड़ेगा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ भैया। इसको बात नहीं करेगा, वुड यू लाइक टू बाय सम हनी फॉर अट्रैक्टिंग पोकेमोन जस्ट 100 ईच? आई थिंक एक खरीद लेते हैं ना, एक खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। ओ यहाँ पे घर भी है, आगे नहीं जा सकते हम, चलो घर में जाके देखते हैं क्या चल रहा है भैया, भाई चाय वाय पिलाओ। द फ्लावर्स डिट ग्रो इन द फील्ड, डू यू सी देयर मोर विविड देन फ्लावर्स एल्स बीन सीनो, क्या चल रहा है टीवी में, कुछ खास नहीं ना।
तो अब शायद से गाइज हम वो कर सकते हैं, जो मतलब कि जो लॉक था डोर उसे हम खोल सकते हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मैं वापस स्लो कर लेता हूँ गेम को। वैसे ये माई बॉय जो एमुलेटर है उसमें जब फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो आपको लगता है कि हाँ फास्ट फॉरवर्डेड है, इसमें उतना पता नहीं चलता, इतना फास्ट नहीं है इसमें। शायद मैं कर सकता हूँ सेटिंग्स में जाके। तो मैंने इसके बच्चे के पापा को बचा लिया। अरे मैंने बचा लिया यार, वो कौन था आदमी, तो ये जाने नहीं देगा ना। एक मिनट, चलो तो हम अब जाएंगे उस टीम गैलेक्टिक के उसमें जो हेडक्वार्टर्स जैसा जो था। तो चलो गाइस जाके देखते क्या होता है, मज़ा आएगा। बैटल, वो भाग गया, ये बैटल नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, जरूर कुछ होने वाला है पक्का। बैटल, चलो गाइस बैटल करते हैं, देखते हैं कौन से पोकेमोन है इन लोग के पास। इन लोग के पास भी कोई टिपिकल पोकेमोन होगा, जैसे कि टीम रॉकेट के पास वीजलिंग था, इनके पास भी कुछ वैसे ही होगा। जूबैट है इनके पास काफ़ी सारे, लेकिन कोई नहीं टिकेगा हमारे जूबैट के सामने, क्योंकि मेरा ईयरफोन गिर गया। रुको 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 रुको, फिट नहीं हो रहा यार, शायद वॉइस में कुछ दिक्कत होगी, तो माफ़ कर देना गाइस। फर्स्ट मतलब बहुत दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिक्कत हो सकता है। बताओ भाई। आई एम वन ऑफ टीम गैलेक्टिक्स 3 कमांडर्स। ओ भाई कमांडर, टफ होगा बैटल ये। नो वेट, देयर डेट्स वन ऑफ 4 कमांडर्स। माय नेम इज मार्स, वी हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड दैट्स बेटर देन दिस वन। अच्छा, ये हर्ड विलेन ऐसा ही करता है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। वैसे पीस के लिए काम करते हैं ये लोग, अब इनका पता नहीं मुझे यार। चलो ये कमांडर है भाई तो ताकतवर हो गई होगी शायद। ओ 15 लेवल, आराम से हरा देंगे। चुटकी में हरा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओ ये मुझे पता नहीं भाई किसमें कौन से अटैक सूट करेंगे। बाइट करेगा सूट, अच्छा बैरी है इसके पास। ओके मैं पोकेमोन स्विच करता हूँ। फ्लेम विल इफेक्टिव होना चाहिए, फ्लेम विल तो ओके 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 यस। ओप्स आई मिस्ड दैट वन अप, दैट्स ऑल राइट दो आई क्वाइट एंजॉयड आवर बैटल। ओके तो अब शायद ये चल जाएंगे। मार्स विल यू शट इट, अच्छा मार्स इसका नाम है। आई गेस इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड लीव फॉर द टाइम बिंग। ये लड़का या लड़की थी पता नहीं, टीम गैलेक्टिक। दे वर सेइंग दे हैड टू गैदर पोकेमोन एनर्जी नो मैटर वॉट, इट वॉज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू यूनिवर्स और सो दे क्लेम्ड। नथिंग दे सेड मेड एनी सॉर्ट ऑफ सेंस टू मी। अच्छा तो ये लोग कुछ वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते हैं वापस से, जो हर टिपिकल विलन जो होता है। तो वो बच्ची आ गई तो शायद उससे कुछ गिफ्ट मिलेगा हमें, इसके लिए तो काम करते हैं यार हम। गिफ्ट के लिए कुछ सामान वामान मिल जाए तो देखते हैं। अ बैलून पोकेमोन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द विंड वर्क्स, इट्स ऑलवेज अ सर्टेन डे ऑफ द वीक बट आई एम नॉट श्योर विच डे। विंड वर्क्स विंड जनरेटेड एनर्जी, बैलून पोकेमोन क्या बोला? ओ येस अ बैलून पोकेमोन अपेयर्स इन द इन फ्रंट ऑफ द विंड वर्क्स, इट्स ऑलवेज अ सर्टेन डे ऑफ द वीक बट आई एम नॉट श्योर विच डे। बैलून पोकेमोन कौन सा होगा यार? बैलून बैलून पता नहीं यार। देखो इस गेम के जो मेन गॉड पोकेमोन है वो कौन सा ही, गिरेटिना गायरेटिना क्या बोलते हैं यार उसे, पालकिया और एक और है, और एक कुछ है क्या था यार, पालकिया गायरेटिना और एक कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा यार उसका नाम। वो भी बहुत कूल पोकेमोन था पालकी, देखो पालकिया डायलगिया, हाँ डायलगिया था शायद से ना, गैरेटिना गैरेटिना सबसे कूल है। यस इट्स यू, यस हाँ ये यार ये तो वो है ना लूकर, मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे करके, तो अब शायद मैं कोप अप कर पाऊंगा। जाके देखे क्या अंदर हम? ओके
अब क्या करें यार हम, अब शायद से हम जा सकते हैं ना वो जंगल, ये जो रास्ता था यहाँ पे, हाँ जा सकते हैं। ओके बैटल अवॉइड करूँगा मैं। अरे यार शिट गाइस, बैटल करते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस हमने हरा दिया। और ये गाइस फाइनली इवॉल्व हो रहा है हमारा जूबैट, और जूबैट किस पे इवॉल्व होगा, शायद से क्रोबैट पे या फिर पता नहीं किस पे इवॉल्व होगा, क्रोबैट पे होगा क्या, चलो देखते हैं। व्हाट वेव इज इवॉल्विंग, तो देखते क्या बनता है गाइस। ये क्रोबैट बनेगा शायद से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, क्रोबैट या फिर देखते हैं कौन सा बना है भाई। गोल बैट, अच्छा क्रोबैट इसका लास्ट वाला है ना, क्रोबैट लास्ट वाला है, उसके लिए शायद कुछ चाहिए होता है शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो यार हमने छोड़ दिया था वीडियो बनाना लेकिन भूले नहीं है भाई बनाना। अरे यार मेरे पास वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं जिससे पोकेमोन एनकाउंटर नहीं होते, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड में ही करता हूँ कंटिन्यू, नहीं तो बार बार एनकाउंटर होगा तो जस्ट फास्ट में करना पड़ेगा यार। बच गया। शिट चलो देखते यार क्या सीन है इसका। मुझे याद है इतना कि रॉक टाइप के लिए फ्लाइंग टाइप सही होता है ना, विंग अटैक देखते क्या काम करता है। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। ओके रॉक टाइप के लिए वाटर टाइप सही होता है शायद से, लेकिन इसका लेवल कम है तो हम हरा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। वापस से जियोडूड, मड स्पोर्ट, कौन सा यूज करें, बाइट, बाइट से तो काम नहीं चलेगा, विंग अटैक ही करना पड़ेगा। अरे यार मेरा ईयरफोन फिर गिर गया, शिट एक मिनट। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप हो सकता है तो बता दो कि कौन सा कोई लेटेस्ट अभी जो रोमहैक चल रहा है ट्रेंडिंग पे, रोमहैक या फैनमेड गेम, जीबी एमुलेटर के लिए या एनडीएस के लिए मत बताना, एनडीएस तो मैं यही खेलूंगा, और जीबी यानी माई बॉय के लिए आप बता सकते हो कोई भी रोमहैक, मैं खेलूंगा, फिर मज़ा आएगा साथ में रोमहैक खेलेंगे, मज़ा आता है रोमहैक में, अलग ही मज़ा आता है। और हो सके तो शॉर्ट बताना, जैसे पोकेमोन सेव था, मैं सोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, मैं बाद में उसे कंटिन्यू डेफिनेटली करूंगा जब ऑडियंस थोड़ा गैदर हो जाएगा तब, क्योंकि अभी मैं वापस से डिसकंटिन्यू, मैं मतलब वो हो गया है ना देखा जाए तो, मेरे पास सेव फाइल भी नहीं है उसका, तो देखते अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेफिनेटली, काफ़ी लोग कहेंगे तो डेफिनेटली मैं पोकेमोन सेफ सोर्स वापस से स्टार्ट करूँगा। तो लेकिन पहले आप कोई, मैं और ट्राई करना चाहता हूँ यार रोमैक जिसमें मज़ा है, जैसे पोकेमोन सेफ था जैसे, या फिर पोकेमोन सोबरिंग ऑफ द स्काइज, वो तो काफ़ी हार्ड गेम था वैसा, मैं उतना मैं प्रो लेवल नहीं हूँ, प्रो नहीं खेलता मैं पोकेमोन सेफ को मतलब कि वो करूँ, हैंडल करूँ, सेफ नहीं सॉरी सोबरिंग ऑफ द स्काइज, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड गेम था। तो यहाँ पे एक और बैटल, पोकेमोन सोवरिंग ऑफ द स्काइज मेरा फेवरेट गेम बन चुका है, पोकेमोन सोवरिंग ऑफ द स्काइज, हाँ अनबाउंड भी, अनबाउंड पोकेमोन अनबाउंड बेस्ट रोमैंक है जो मैंने खेला अभी तक, मतलब और भी काफ़ी सारे रोमैंक्स होंगे लेकिन अनबाउंड का अलग ही बात था यार, कितना रियलिस्टिक गेम था यार वो, ऐसा गेम बनना मुश्किल है। अच्छा मैं जाना कहाँ पे यार, मैं चेक करता हूँ मुझे जाना कहाँ पे, एक मिनट। हाँ हाँ तो गाइज मैंने चेक किया और हमें जाना है इटर्ना सिटी, तो यार ये लड़की, एक मिनट मैं थोड़ा सा, ये जब जैसे अभी जाएगी ना तो मैं फटाक से चला जाऊँगा पोकी बॉल लेने, ठीक है। अरे यार मेरा फिर से गिर गया ईयरफोन, शिट ये कहीं मुझे देख ना ले, फिर मुझे बैटल करना पड़ेगा इससे फालतू में, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे यार शिट, चलो गाइज मैं बैटल करता हूँ इससे। ओके गाइस हटा दिया हमने इसे, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक मिनट चलो बात करते हैं। हाँ रेपल, रेपल से इनकाउंटर नहीं होता, मैं नाम ही भूल गया था यार इसका, मुझे लगा ये फ्री में रेपल देगा हमें, लेकिन नहीं यार फ्री में कोई नहीं देता। ओ इसने हिल कर दिया, वाह
सारे मेरे पोकेमोन्स हील हो गए होंगे ना। सही है, साढ़े क्या दो ये पोकेमोन्स है यार, मुझे टीम बनाना पड़ेगा यार। मैं रिसर्च करूँगा थोड़ा, शायद से यूट्यूब में देखना पड़ेगा कोई टीम, मतलब जिसमें मैं रियलाइज कर सकूँ, तो क्योंकि यार हार्ड होने वाला ये गेम डेफिनेटली, और मैं उतना अच्छा हूँ नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पोकेमोन गेम्स में उतना अच्छा हूँ नहीं, बहुत टाइम लगता है मुझे पज़ल सॉल्व करने में। तो भाई मुझे, मैंने सोर्डिंग ऑफ द स्काइज का एक पज़ल सॉल्व करने के लिए चार चार एपिसोड बना दिया था, शायद से चार या तीन एपिसोड बना दिया था मैंने। तो इटर्ना फॉरेस्ट आ चुका है, डेफिनेटली यहाँ से हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कट नहीं है। इस गेम में हमें पहले रॉक स्मैश मिलता है, यूजुअली हमें पोकेमोन गेम्स में पहले वो मिलता है, कट ही मिलता है, लेकिन इसमें हमें रॉक स्मैश मिला है, तो सही है। शायद से इटर्ना फॉरेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये कौन है? हेलो, माय नेम इज़ शेरिल एंड यू आर? ओके, सो योर नेम इज़ शिव। अच्छा, मेरा नाम शिव है, मुझे इस गेम में मेरा नाम शिव है, मुझे याद भी नहीं था। सो मैं आस्क अ फेवर ऑफ यू, आई वांट टू गेट थ्रू दिस फॉरेस्ट बट आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग इट अलोन। या ऑफ कोर्स। अरे क्यों नहीं यार, कोई पूछेगा। सही है यार। ओ, आई विल कीप योर पोकेमोन इन परफेक्ट हेल्थ। ओके चलो, देखो यहाँ से जाएंगे तो बैटल मिलेगा हमको, ठीक है। अच्छा, ये भाई ये कितना मस्त जगह यार, कितना मस्त फॉरेस्ट है। लेकिन वहाँ पोकी बॉल है यार, जाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है? मैं काम करता हूँ, मैं फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ ऐसे। वाओ, सही है। चेंसी, इसके पास चेंसी है क्योंकि, तो ये हील कर पाएगी ना मेरे को जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब तब। यार कितना अच्छा मेरे पास रैपल होता तब सही होता। तो एपिसोड एंड करने का वक्त आ गया, लेकिन मैं बस इस फॉरेस्ट से निकल जाऊं फिर एपिसोड को एंड करते हैं। और अब से मैं कंटिन्यू करूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो शायद से हमें ना चाहते हुए भी इस रास्ते से जाना पड़ेगा गाइस। तो मिनट, तो इनसे बैटल करता हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, हमने इसे हरा दिया, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़की कुछ काम की नहीं है, ये हार गई, घंटा कुछ नहीं किया इसने, सब मैंने इनको हराया है। तो मुझे हील कराना पड़ेगा इससे। अच्छा, हील ऑलरेडी शायद से इसने मतलब ये करके रखेगी ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा हील, हाँ ये करके रखेगी हील, तो कोई मुझे बताना नहीं पड़ेगा इसे कि हील करो। पैरालाइज हील भी मिल चुका है हमें, सही है। अभी मेरे पोकेमोन पैरालाइज भी हो चुका था। अबे यार गाइस, चलो बैटल करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस, इसके पास आपड़ा था, दोनों ही आपड़ा पोकेमोन थे इनके पास, तो हमने आराम से हरा दिया क्योंकि मेरे वेव के पास डार्क, मतलब डार्क टाइप मूव था बाइट, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई थिंक अब फॉरेस्ट से निकलने वाले हम। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यार, मुझे एनकाउंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद है एनकाउंटर्स, किसको पसंद है यार। नेट बॉल, अबे यार शिट। चलो गाइस बैटल करते हैं वापस से। ओके गाइस, हमने हरा दिया इन दोनों नमूनों को। इधर देखते हैं, मेरे पास रैपल होता ना यार, अभी तक मैं फॉरेस्ट पार कर देता। अब मुझे बस, चलो एनकाउंटर हो तो हो, लेकिन यार ट्रेनर्स ना मिले तो अच्छा है। ट्रेनर टिप्स, डार्कनेस में कवर होते हैं, अच्छा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया यार, तो मुझे शायद से अब रोकना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ आगे तक, अगर नहीं मिलता है तो मुझे शायद से यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। फिर फीलिंग आ रहा है अंदर से कि बस निकलने वाले हैं हम फॉरेस्ट से। विडुफ भी अच्छा है ना। मजाक कर रहा हूँ। ओ देयर्स द एग्जिट। ओ फाइनली गाइज, आई एम सो रिलीव्ड, वी फाइनली गॉट हियर। आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू गेट थ्रू दिस बाय माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।
कुछ मिलेगा सामान हमें, सूद बेल, सूद बेल से शायद से कोई पोकेमोन, कोई पर्टिकुलर पोकेमोन इवॉल्व होता है, जैसे कि ईवी होता है शायद से। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं, तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और शेयर कर देना वीडियो को जितना हो सके। तो बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।